चेयरमैन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और पहले से मैं बोलता आया हूं, मानता आया और कहते आया हूं कि ये वर्ल्ड में जब तक लेडीज रहेगी तब तक डायमंड चलेगा। तो लेडीज रहेगी तो डायमंड चलेगा, तो डायमंड का बिजनेस को कोई नहीं कर सकता। हाँ, पहले भी आया था क्यूबिक जर्कोनिया, अमेरिकन डायमंड बोलते थे, तभी सब लोग डर गए थे कि ये आया डायमंड बंद हो जाएगा। उनको भी 20 साल हो गए, कोई असर नहीं हुआ। अभी सीवीडी आ रहा है, सीवीडी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीवीडी पे चलेगा डायमंड भी चलेगा, सीवीडी बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। मगर देखो अभी ज्वेलरी में कितना पूरा वर्ल्ड में जगह है। अभी जो सब आइटम दुनिया में जो जिसको बोलते हैं शॉप मॉल शॉप के आइटम, भाई घड़ी है, कोई दूसरी मोबाइल है, उसके हिसाब से तो अभी ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी का काम 2-3% है। तो अभी सीवीडी आ जाए और डायमंड जितना बड़ा अमाउंट में हो जाए तो डायमंड बिजनेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डायमंड बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, मगर जिसको डायमंड में बिजनेस में रहने का है, डायमंड बिजनेस में ही काम करने का है, तो मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि उनका बेटा को अगर जनरेशन में लाने का है तो मिनिमम 3 साल का प्रैक्टिकल उनको एक्सपीरियंस करवावे, टेक्निकल थियोरिकल प्रैक्टिकल डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के साथ पूरा 3 साल तक का 1000 दिन का ट्रेनिंग दे, तो उनको डायमंड बिजनेस में जीवन भर में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं।